अगर आप कम उम्र में पैसा कमाना चाहते हो, मेरा कहने का मतलब आप सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हो, तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हो। और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक ग्रो ऐप में डीमैट अकाउंट कैसे खोल सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करके पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि हर एक स्टेप जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल मत स्किप करना यार। आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि आने वाले समय में शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो भी इस चैनल पर डालने वाले हैं। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रो ऐप डाउनलोड करना से इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद जब आप इसे ओपन करते हो तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा कंटिन्यू विद गूगल, इस पर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जितने भी आपके मोबाइल में जीमेल आईडी लॉगिन है सब आपके सामने आ जाएंगे। एंड जिस पर आपको अकाउंट बनाना है उस जीमेल आईडी पर क्लिक कर देना है। उस जीमेल आईडी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। एंटर करने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। एंड यहाँ पर आपके वेरीफाई होने के बाद आपको पैन कार्ड नंबर जो है डाल देना है। पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद नीचे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कंफर्म आई एम पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है डेट ऑफ बर्थ का, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। एंड नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा अपना। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद मैरिटल स्टेट आपको चूज करना है, सिंगल हो या मैरिड हो। ये सब सेलेक्ट करने के बाद आपको ऑटोमेटिक नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएगा। यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन चूज करना है, आप क्या काम करते हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो या कोई स्टूडेंट हो या कुछ बिजनेस अपना चलाते हो, जो भी हो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आप काम करते हो उसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट पेज पर ऑटोमेटिक ही पहुंच जाओगे। यहाँ पर आपको अपनी इनकम बतानी है, आप कितना पैसा कमाते हो, सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। जितना भी कमाते हो उस हिसाब से अपना चूज कर लेना। तो यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है, आपको ट्रेडिंग का कितना एक्सपीरियंस है। जितना भी आपको एक्सपीरियंस हो यहाँ पर चूज कर सकते हो, नहीं है तो नो एक्सपीरियंस पर क्लिक करके प्रोसेड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे अब मैंने नो एक्सपीरियंस क्लिक कर दिया, नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दो। यहाँ पर आपको केवाईसी में केवाईसी डिटेल डालनी पड़ेगी, मतलब अपना मदर का नाम एंड अपने फादर का नाम यहाँ आपको डाल देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बैंक चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। बैंक चूज करना है, जिस भी बैंक में खाता है यहाँ पर चूज करेंगे। यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो। तो यहाँ पर सर्च करने के बाद अपना बैंक का आईएफएससी कोड डाल देना है। ये आईएफएससी कोड डालने के बाद आप सारी डिटेल ऑटोमेटिक ही ये ऐप ले लेगा। तो आईएफएससी कोड डालेंगे एंड सारी डिटेल ऑटोमेटिक ले लेता है। यहाँ पर ऑटोमेटिक डिटेल ले ली है सारी जो भी है। तो उसके बाद यहाँ पर अपना अकाउंट का नंबर डाल देना। अकाउंट का नंबर डालने के बाद वेरीफाई बैंक पर क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई बैंक पर क्लिक करते हो तो ये अकाउंट में आपके 1 रुपये सेंड करके देखेगा, और 1 रुपये सेंड हो जाने के बाद आपका बैंक जो है वेरीफाई हो जाता है। तो यहाँ पर वेरीफाई करना हमारा हो चुका है सक्सेसफुली, 1 रुपये हमारे अकाउंट में जा चुका है। तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर आप केवाईसी हमारी होगी तो प्रोसेड फॉर केवाईसी के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना होगा आपको। तो केवाईसी करने के लिए यहाँ पर आपको आधार कार्ड अपना ले लेना है। तो जैसे ही केवाईसी करोगे तो यहाँ पर आधार कार्ड का पूर्ण नंबर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें टिक कर देंगे एंड ऑथेंटिक आधार पर क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल देना है, जितनी 12 डिजिट का जो होता है उसे डालने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी आपके आधार कार्ड में नंबर लिंक है, मोबाइल नंबर लिंक है, उस पर ओटीपी आएगा। एंड ओटीपी डालने के बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये सब क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस मिलेगा एंड नेक्स्ट पेज पर ऑटोमेटिक ही पहुँच जाता है। तो यहाँ से थोड़ी लोडिंग ले रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो अकाउंट है बनने वाला है। अभी एक स्टेप और रह रहा है, उसे पूरा कर लेते हैं अभी। तो थोड़ा प्रोसेस ले रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कैमरा जो है आ चुका है। यहाँ पर अपना फोटो आपको खींचना पड़ेगा लाइव। तो यहाँ पर कैमरे का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ध्यान रहे आपको जो कैमरा जो कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब आपको कंडीशन सही लाइटिंग कंडीशन होनी चाहिए, नहीं तो फेल हो जाएगा। जैसे आप देखते हो रेड वगैरह आ रहा है तो ये ख़राब फोटो है। ग्रीन जैसे ही आ जाता है तो आपका अच्छे से फोटो खींच जाएगा। जब तक ग्रीन नहीं आएगा आपका अच्छे से फोटो नहीं खींचेगा और आपका अकाउंट नहीं बन पाएगा। तो जैसे मैंने लाइट कंडीशन यहाँ से एक्टिव करी, लाइट ऑन करी, तो यहाँ से मेरा फोटो अच्छे से खींच चुका है, इसने प्रोसेस ले लिया है। ये सब होने के बाद यहाँ पर लुक्स गुड का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही सिग्नेचर करने पड़ेंगे, ई साइन करने पड़ेंगे, डिजिटली साइन करने पड़ेंगे कहने का मतलब। तो प्रोसेस टू सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर एक पेज आ जाएगा वाइट कलर का, ऐसे आपको सिग्नेचर करने होंगे। तो चलिए मैं जल्दी से सिग्नेचर कर लेता हूँ एंड यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, और गलत सिग्नेचर करते हो तो रीसेट का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है वहाँ पर। तो ये सब होने के बाद यस प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। आपको नॉमिनी जोड़ना है तो यस प्रोसेस पर क्लिक करेंगे, वरना स्किप कर देंगे। और मैं बोलूँगा नॉमिनी तो आप जो जरूर ऐड करना चाहिए, नहीं करने हो तो बाद में आप ऐड कर सकते हो अकाउंट खोलने के बाद। तो ये हमारा सारा प्रोसेस हो चुका है, बस एक ही प्रोसेस रह रहा है। तो प्रोसेस टू अदर ई साइन पर क्लिक करेंगे, एनएसडीएल की वेबसाइट पर हमें ये रिडायरेक्ट कर देगा। तो ये सब हो जाने के बाद यहाँ पर एक फॉर्म आ जाएगा अभी। तो प्रोसेस यहाँ पर प्रोसेस का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। सबसे लास्ट में नीचे ऑप्शन मिलेगा, इस पर ही क्लिक
इस पर क्लिक करने के बाद ये आपको NSDL की वेबसाइट पर ले जाता है। यहाँ पर आपको करना क्या होगा, अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल देना है एंड यहाँ पर सेंड OTP का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। और ऊपर टिक का जो ऑप्शन मिलेगा उस पर भी आपको टिक कर देना है। और जैसे सेंड OTP पर क्लिक कर दें, जो भी आधार कार्ड से नंबर लिंक है उस पर OTP आएगा एंड यहाँ पर आपको डाल देना है, वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पर आपके नंबर, आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, तो उसे डालने के बाद यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा नीचे, आपको वेरीफाई कर देना है। जैसे आपका वेरीफाई हो जाता है आपका अकाउंट सक्सेसफुली जो है क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे नंबर पर OTP आ चुका है, इसे OTP को डाल देता हूँ जल्दी से। OTP डालने के बाद यहाँ पर टिक का ऑप्शन आपको मिलेगा एंड उस पर वेरीफाई कर देते हैं और हमारा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारा अकाउंट जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो भी चुका है। अकाउंट ओपन होने के बाद अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको यहाँ पर पैसा ऐड करना पड़ेगा, लेकिन जैसे आप अकाउंट अपना सक्सेसफुल बनाते हैं उसके 24 घंटे बाद आपका अकाउंट वेरीफाई होता है और 24 घंटे के बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका अकाउंट जो है सक्सेसफुली बन चुका है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारा अकाउंट अभी वेरीफिकेशन के लिए गया है, लेकिन हम ये ग्रो ऐप चला सकते हैं। यहाँ पर एक्सप्लोर का ऑप्शन होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। एक्सप्लोर का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है सक्सेसफुल यहाँ पर देख सकते बन चुका है और ऊपर SMS आ रहा है, अभी आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट नहीं हुआ है, एक्टिवेशन इन प्रोसेस दिखा रहा है, लेकिन 24 घंटे के अंदर एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही एक्टिवेट होता है आपके पास मैसेज भी आता है, उसके बाद आप जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। इस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या कुछ क्वेश्चन आपको पूछने, सवाल के जवाब चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना। एंड जब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।